Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। ओवरसीज चीफ है, उन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं वो जो नॉर्थ के हैं वो वाइट लगते हैं, जो ईस्ट के हैं वो चाइनीज लगते हैं, साउथ के अरब अफ्रीकन लगते हैं और वेस्ट वाले अरब के लगते हैं। ये विकृत मानसिकता है कांग्रेस की, और इस तरह से किसी भी भारतीय को नेम शेमिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है, हर हिंदुस्तानी हमारा साथी है, और आप इस तरह से अगर उनको डिवीजन कर रहे हो और इस तरह से कास्टिज्म की बात कर रहे हो, दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दिखाता है। जी सर, उन्होंने राम और रावण ने बोला राम मंदिर और राम नवमी का इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, राम हमारे आराध्य हैं और राम ही सनातन है, और इस सनातन ने, इस भारत ने पूरे विश्व को दिशा दी है, बताया है कि क्या संस्कृति है और क्या सनातन है। तो राम तो अगर भारत के नहीं तो फिर राम कहाँ के हैं? पूरा देश भारत राम का है। मैंने कहा कि कांग्रेस जब जब इनको देश के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो ये राम के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सैम पित्रोदा को इस तरह से कोई टिप्पणी करनी चाहिए। चुनाव के टाइम इससे पहले उन्होंने मुस्लिम प्रॉपर्टी के लिए बोला था, उससे पहले उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए बोला था, ये सोची समझी साजिश है इनकी, चाहे वो इनहेरिटेंस लॉ पे बोलना हो या राम पे बोलना हो, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और बहुसंख्यक समाज को गाली देना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। स्टेटमेंट दिया कि इंडियंस जो ईस्ट में रहते हैं वो चाइनीज लगते हैं, साउथ वाले अफ्रीकन लगते हैं, वेस्ट वाले अरब के लगते हैं, नॉर्थ वाले वाइट लगते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत टाइम तक कांग्रेस के साथ थे, उनकी आइडियोलॉजी आप समझते हैं? मेरा सौभाग्य समझिए कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ मिलने का और काम करने का अवसर नहीं मिला, और मुझे लगता है कि जो बिल्कुल ही अकल से पैदल हो वही उनकी सलाह सुनेगा, और ना इस देश के बारे में जानते हैं ना कुछ जानते हैं, तो उनको मैं तो सीरियसली नहीं लेता। जी सर, उन्होंने राम बोला कि राम मंदिर का, राम नवमी का भारत से कुछ लेना देना नहीं है, ये इसके अगेंस्ट? देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री राम ना केवल भारतवासियों के, जो भारतवासी देश में रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, किसी धर्म को मानते हो, किसी जाति के हों, उन सबसे बड़े भगवान जो हैं हमारे देश के प्रभु राम हैं, और प्रभु राम के बारे में भी टिप्पणी करने से कोई अगर बाज नहीं आए तो उसका तो भगवान ही मालिक है। सर, एक आखिरी पिताजी को अपने प्रोफेसर, अपना गुरु मानते हैं, उनके गुरु से ऐसी वही मान सकते हैं और कोई नहीं मानता। ओवरसीज चीफ है, उन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं वो जो नॉर्थ के हैं वो वाइट लगते हैं, जो ईस्ट के हैं वो चाइनीज लगते हैं, साउथ के अरब अफ्रीकन लगते हैं और वेस्ट वाले अरब के लगते हैं। ये विकृत मानसिकता है कांग्रेस की, और इस तरह से किसी भी भारतीय को नेम शेमिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है, हर हिंदुस्तानी हमारा साथी है, और आप इस तरह से अगर उनको डिवीजन कर रहे हो और इस तरह से कास्टिज्म की बात कर रहे हो, दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दिखाता है। सर, उन्होंने राम और रावण ने बोला राम मंदिर और राम नवमी का इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, राम हमारे आराध्य हैं और राम ही सनातन है, और इस सनातन ने, इस भारत ने पूरे विश्व को दिशा दी है, बताया है कि क्या संस्कृति है और क्या सनातन है। तो राम तो अगर भारत के नहीं तो फिर राम कहाँ के हैं? पूरा देश भारत राम का है। मैंने कहा कि कांग्रेस जब जब इनको देश के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो ये राम के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सैम पित्रोदा को इस तरह से कोई टिप्पणी करनी चाहिए। चुनाव के टाइम इससे पहले उन्होंने मुस्लिम प्रॉपर्टी के लिए बोला था, उससे पहले उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए बोला था, ये सोची समझी साजिश है इनकी, चाहे वो इनहेरिटेंस लॉ पे बोलना हो या राम पे बोलना हो, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और बहुसंख्यक समाज को गाली देना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। स्टेटमेंट दिया कि इंडियंस जो ईस्ट में रहते हैं वो चाइनीज लगते हैं, साउथ वाले अफ्रीकन लगते हैं, वेस्ट वाले अरब के लगते हैं, नॉर्थ वाले वाइट लगते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत टाइम तक कांग्रेस के साथ थे, उनकी आइडियोलॉजी आप समझते हैं? मेरा सौभाग्य समझिए कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ मिलने का और काम करने का अवसर नहीं मिला, और मुझे लगता है कि
जो बिल्कुल ही अकल से पैदल हो वही उनकी सलाह सुनेगा, और ना इस देश के बारे में जानते हैं ना कुछ जानते हैं, तो उनको मैं तो सीरियसली नहीं लेता। जी सर, उन्होंने राम बोला कि राम मंदिर का, रामनवमी का भारत से कुछ लेना देना नहीं है, ये इसके अगेंस्ट? देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री राम ना केवल भारतवासियों के, जो भारतवासी देश में रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, किसी धर्म को मानते हो, किसी जाति के हो, उन सबसे बड़े भगवान जो है हमारे देश के प्रभु राम है। और प्रभु राम के बारे में भी टिप्पणी करने से कोई अगर बाज नहीं आए तो उसका तो भगवान ही मालिक है। सर, एक आखिरी बता दो, अपने प्रोफेसर, अपना गुरु मानते हैं, उनके गुरु से ऐसी वही मान सकते हैं और कोई नहीं मानता। जी सर।